ओट्स एक ऐसा सुपर फूड है जिसके बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हेल्दी हार्ट से लेके ब्लड शुगर कंट्रोल करने तक, हेल्दी वेट गेन से लेके हेल्दी वेट लॉस तक। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हों तो जाहिर सी बात है मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स इसको इस्तेमाल करके अपनी सेल्स करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो सही भी है, बिकॉज एट दी एंड हमारे तक वो ओट्स का जो न्यूट्रिशन प्रॉमिस है वो हमारे तक लेके तो आ रहे हैं, अदरवाइज हमारे तक वो प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज ब्रांड्स हम लोगों को ओट्स खाने को मिल रहा है, सो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। लेकिन क्या मार्केट में ओट्स के नाम पे बिकने वाले प्रोडक्ट्स हेल्दी हैं? आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहले हेल्थ। तो ये जानने के लिए मार्केट में मिलने वाले ओट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स हेल्दी हैं या नहीं, हमने ओट्स के प्रोडक्ट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर आती हैं ओट्स कुकीज या बिस्किट्स, नंबर 2 पर आते हैं ओट्स सीरियल्स, और तीसरे नंबर पे आता है मसाला ओट्स। अब एक एक करके इन कैटेगरीज में आने वाले प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये ओट्स का न्यूट्रिशन प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। अच्छा, हमारा एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमने इन प्रोडक्ट्स को रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से उठाया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कितना न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट है इन प्रोडक्ट्स में या फिर कितने हेल्दी ये प्रोडक्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं, नंबर 1 पर आते हैं कुकीज। अच्छा, अगर ओट्स कुकीज नाम है तो जाहिर सी बात है कि ओट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होगी इन प्रोडक्ट्स में। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इफ यू लुक एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओट्स का कॉन्टेंट 8-16% है। तो दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ओट्स सिर्फ 8-16% के बीच में है तो ऐसा इंग्रेडिएंट है कौन सा और क्यों फिर ये ओट्स कुकीज के नाम पे बिक रहा है। सो इफ यू लुक एट द इंग्रेडिएंट लिस्ट केयरफुली, वहां पे 2 प्रोडक्ट्स में व्हीट फ्लावर सबसे ज्यादा मात्रा में है, विच इज मोर देन 30%, और तीसरे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है मैदा। फिर ओट्स कुकीज क्यों नाम रखा है इनका? इनका नाम तो आटा कुकीज होना चाहिए या फिर मैदा कुकीज होना चाहिए। खैर, ये तो पहेली का सिर्फ एक ही पहलू है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू है क्वांटिटी ऑफ शुगर। और आपको ये जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि इसमें शुगर का कंटेंट 18 ग्राम से लेके 30 ग्राम के बीच में है, मतलब 4-6 चम्मच चीनी 100 ग्राम के प्रोडक्ट में। शुगर और हेल्थ तालमेल कुछ बना नहीं। अब ये सब पूरा नहीं हुआ तो कहानी को खराब करने के लिए आ गया सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट एक ऐसा फैट है जो आपकी हार्ट डिजीज का रिस्क और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब तीनों प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे 10-15 ग्राम सैचुरेटेड फैट है पर 100 ग्राम की क्वांटिटी में, विच इज ऑन द हायर साइड। और मसले को और बिगाड़ने के लिए इसमें डाले जाते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, ताकि इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ और टेक्सचर इंप्रूव हो जाए। तो मुझे हेल्थ का तो पता नहीं, लेकिन हेल्थ खराब करने में डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिसमें आते हैं ओट्स सीरियल्स। ये वही सीरियल्स हैं जो बहुत ही चाव से हम ब्रेकफास्ट में खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, ये सोचकर कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। बट अगर हेल्थ की बात करूं तो शायद इनका भी हेल्थ से दूर दूर तक नाता नहीं है। इसमें भी ओट्स तो खैर पहली कैटेगरी से ज्यादा है, बट इतने भी ज्यादा नहीं है कि ये ओट्स सीरियल्स के नाम पे दिखने चाहिए। बट शुगर में ये भी राजा है। तो 56 ग्राम की सर्विंग इन्होंने रेकमेंड की है और उस 56 ग्राम की सर्विंग में शुगर की क्वांटिटी है 12 ग्राम, यानी कि लगभग 2.5-3 चम्मच चीनी। और अगर आपने उसके ऊपर से दूध डाला और एक चम्मच चीनी और डाल दिया तो हो गया हेल्थ। दूसरा इसमें डाला जाता है माल्टोडेक्सट्रिन नाम का एक केमिकल प्रिजर्वेटिव। ये इसलिए डाला जाता है प्रोडक्ट में ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा सके। और मसले को और बिगाड़ने के लिए इसमें भी डाले जाते हैं एडिटिव्स, नेचुरल या फिर नेचुरल अकरिंग फ्लेवर्स। तो आप नाम से कन्विंस नहीं हो जाएगा कि उसमें एक्चुअल में नेचुरल फ्लेवर्स डाले जाते हैं। नेचुरल फ्लेवर्स भी केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं और बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए।
सो व्हेनेवर यू रीड नेचुरल या फिर नेचुरल अकरिंग फ्लेवर्स या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज प्रोडक्ट्स. दीज आर नॉट रियल प्रोडक्ट्स, दीज आर केमिकली इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट्स. ऑल्दो द कंपनीज मे बी एडिंग दीज केमिकल्स एंड एडिटिव्स इन परमिसिबल लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द फूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, बट उसके बावजूद भी ये एक हेल्दी चॉइस नहीं है. सो आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज आर फार फ्रॉम बीइंग हेल्दी. अब चलते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पे जिसमें आते हैं मसाला ओट्स. तो इसमें सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है सफोला मसाला ओट्स. आई थिंक इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं और आपको ऑनलाइन से लेके सुपरमार्केट हर जगह पे ये प्रोडक्ट रेडिली अवेलेबल मिलेगा. तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ओट्स की क्वांटिटी तो लगभग 75% है, बट इसमें भी ड्राइड वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, प्रिजर्व करके डाले जाते हैं. जाहिर सी बात है उसमें केमिकल्स या एडिटिव्स का उपयोग होना स्वाभाविक हो सकता है. जस्ट लाइक अदर टू कैटेगरीज इसमें भी डाले जाते हैं नेचुरल या फिर नेचुरल अकरिंग फ्लेवर्स, जिससे हमें थोड़ी दूरी बनाए तो ज्यादा अच्छा है बिकॉज ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं हो सकते बिकॉज दीज आर केमिकली प्रोसेस्ड. अब आपको लग रहा होगा तो फिर सारे प्रोडक्ट सही नहीं है कंजम्पशन के लिए, तो फिर हमारे लिए हेल्दी चॉइस क्या है? फिकर नॉट मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन आपके लिए है विच इज फार मोर हेल्दियर देन दीज थ्री प्रोडक्ट कैटेगरीज दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट. अच्छा, अगर आप ओट्स का सही में न्यूट्रिशनल लाभ उठाना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप मार्केट से रॉ ओट्स का पैकेट खरीदें. अच्छा, अगर आपको ओट्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने इसका न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट और एक एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में बात की है कि इसके फायदे क्या है. आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं जहां पे हमने अलग अलग तरीके के ओट्स को भी एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल्ड में. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू गो फॉर आइदर रोल्ड ओट्स और इंस्टेंट ओट्स, तो आपको कोई हार्म नहीं करेंगे. आप इसको जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, अगर आप मीठा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो वैसा बना सकते हैं, मसालेदार बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल के उसको घर पर ही पकाएं. अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स को लेने में, वेदर इट्स फॉर वेट लॉस, वेट गेन, हेल्दी हार्ट या फिर डायबिटीज कंट्रोल करने में. और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ, ये सारी कैटेगरीज जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ये सारी कैटेगरीज के सभी प्रोडक्ट्स बेकार नहीं होंगे. जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था इस वीडियो में कि हमने रैंडम सैंपल से पिक किया है. द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑन द काइंड ऑफ ओट्स दैट आर अवेलेबल एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशनल कंटेंट दैट दे एक्चुअली हैव. सो नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट में जाएं, ये सारी चीजें आपके रडार पे होनी चाहिए. सबसे पहले नंबर पे आता है शुगर, उसका शुगर का कंटेंट बहुत कम होना चाहिए या फिर ना हो तो बेहतर है. दूसरी चीज, उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए. तीसरी चीज, नेचुरली आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होने चाहिए. चौथी चीज, उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या फिर कोई भी तरीके का रिफाइंड ऑयल ना हो या फिर कोई और केमिकल या फिर कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए. इन शॉर्ट, एक प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट लिस्ट जितना छोटा होता है ज्यादातर वो उतना बेहतर होता है हमारी कंजम्पशन के लिए. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द मार्केट, जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द राइट ओट्स फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली. तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट आप वीडियो देखना चाहते हैं. साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, सो दैट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो. और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.